हाय फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए अपने चैनल पे स्पेशल मैथ्स की कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा डेली, और ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप एग्ज़ाम्स देख सकते हैं, जैसे रेलवे के, एसएससी प्री, और आप यूपी टेट जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है जिसमें मैथ्स पूछी जाती है 30 नंबर की, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जो पैटर्न होगा मेरा अपने चैनल पर वो होगा कि टॉपिक जो होगा उससे टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्क्रीन पे आपके साथ क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों होगा, बस आपको देखना है। और जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगता है या आप उससे पहले उस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। इससे क्या होगा, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप वाइज नोट्स आपके बन जाएंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उसे क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी। काफ़ी समय से अपने चैनल पे कोई अपलोड नहीं मैंने किया है कोई वीडियो, तो उसके लिए बहुत ही बहुत सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब से मेरे चैनल पे आपको मैथ से रिलेटेड ज़रूर एक वीडियो मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है, जो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और इसको हम टाइप वाइज करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, मेरे द्वारा ये सारे नोट्स बनाए गए हैं, इसमें लगभग 26 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला टाइप देखिए कैसे क्वेश्चन हमें करना है। देखिए, सभी को पता है प्रॉफिट लॉस में मेन चीज़ क्या होती है, एक सीपी होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस जिस पे हम चीज़ों को ख़रीदते हैं। एक प्रॉफिट होता है अगर हमको कोई चीज़ बेचने पर प्रॉफिट हो रही हो, लॉस होता है, और एक एसपी होता है जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इन पे क्वेश्चन बनते हैं, हम फार्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपको कैसे क्वेश्चन करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसने सीपी दिया है 99 और उसने प्रॉफिट बोल दिया है कि 11 सही 1/9%, और एसपी उसने पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। इन्हें याद कर लीजिए कि 11 सही 1/9% जो होता है वो 1/9 होता है। कैसे होगा, ये जो 11 9 99 + 100 हो जाता है, अपॉन 9 होता है, 100 से जब डिवाइड करते हैं तो वो 1/9 बच जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लूँ, थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको पता है कि सीपी 99 है, प्रॉफिट मेरा जो है वो 1/9 है। तो देखते होता क्या है, हम कहाँ से उठाएंगे, फ्रैक्शन से क्वेश्चन उठाएंगे। 1/9, तो यहाँ पे जो 9 है वो है मेरा सीपी, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, और ये चीज़ जो होती है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। तो यहाँ पे उसने कहा है प्रॉफिट है, तो 1/9 मतलब 9 रुपये की चीज़ खरीदी गई सीपी और उस पर 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो मतलब 10 रुपये की चीज़ बेची गई। बस अब कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, आपको सीपी दिया है, हमारा सीपी कितना है 9 रुपये, तो 9 की वैल्यू आप 99 कर दीजिए, तो वहाँ 1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 11 निकल आएगी, और हमसे 10 की वैल्यू केवल पूछी गई है, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 110 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो सेलिंग प्राइस हुआ वो 110 रुपये होगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। देखिए, सीपी दिया गया है 420 और पी दिया गया है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% जैसे ही माइंड में आए तो आपके आना चाहिए 1/6 होता है, क्योंकि 16 3 16 3 48, 2 ऐड करेंगे 50, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/2 और 7 में 3 है, तो 1/6 बन जाता है। ये हो गया आपका 1/6। अब कुछ नहीं करना, हमें क्या दिया गया है, सीपी 420 रुपये, हमारा सीपी कितना है 1/6 में 6, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, 70। दिया क्या गया है, प्रॉफिट दिया गया है, मतलब 6 की अगर चीज़ है उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, मतलब वो 7 रुपये की चीज़ बेची गई थी, तो हमको बस 7 रुपये की वैल्यू निकाल, ठीक है ना, हमको 7 रुपये की वैल्यू निकालनी है, तो 1 रुपये की वैल्यू 70 आ गई, तो 7 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 490 रुपये। यही मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। सिंपल सी बात है, सीधे फ्रैक्शन से हम बनाएंगे क्वेश्चन को। अब देखिए, सीपी 96 दे दिया गया है, यहाँ पे लॉस दिया गया है 37 सही 1/2%। अब देखिए, 30 का 2 गुना कितना होता है, 60, 7 का 2 गुना कितना होता है, 14, तो 74 तो ये हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 75/2 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, 25 3 75 होता है, 2500 को 100 होता है, तो 3/8 ये आपका बनता है सिंपल से। तो 3/8 हमें लॉस दिया गया है, मतलब नीचे वाला 8 रुपये का चीज़ थी सीपी, उस पर 3 रुपये का लॉस हो गया, मतलब 5 रुपये की चीज़ वो बेची गई।
हमको 5 की वैल्यू निकालनी है, 8 की वैल्यू हमको 96 दी गई है, तो 8 की वैल्यू 96 दी गई, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 12 निकल आएगी। 3 मेरा लॉस हुआ है, मतलब 5 रुपये मेरा SP है, 5 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 12 की वै अगर हमें 1 की वैल्यू 12 पता है, तो 5 की वैल्यू हम सिंपल से निकाल लेंगे, 60 है आंसर आपका, आ जाएगा 60 रुपये SP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 147 रुपये उसने SCP दिया है, लॉस उसने 14 सही 2/7% है, सीधा सीधा मतलब होता है 1/7। कैसे निकालते हैं, 14 × 5 = 70 होता है, तो ये 70 कर लिया, 2 × 14 और किया तो 28 कर लिया, तो ऊपर आ गया 28 और 2 जोड़ दिया तो 100 आ गया, मतलब 98 2 जोड़ दिया 100/7 हो गया, 100 से डिवाइड किया ये 100 कट गया, 1/7 आ गया 14 सही 2/7 की वैल्यू। तो मतलब 1/7 का मतलब क्या है, 7 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी, 1 रुपये का मुझे लॉस हुआ, मतलब 6 रुपये की मैंने चीज़ बेची, तो 7 की वैल्यू 147 है, तो 1 की वैल्यू 21 हो गई, सीधे सीधे 6 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दिया 126 आ गया, सिंपल सा। फिर सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, CP की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, थोड़ा सा पलट दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे CP निकालनी है, SB की वैल्यू दी गई है और प्रॉफिट उसी तरीके से 12 सही 1/2 दिया है, ठीक है, 12.5 का मतलब होता है परसेंटेज में 1/8, कैसे, 12 × 24 25/2 नीचे आया 100, 25 × 100 क्या 1/8 आ गया। तो ये जो 1/8 में जो मेरा CP है ये मुझे पता है 8 है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो SP मेरा कितना बना होगा, 9 बना होगा, यहाँ पे 9 की वैल्यू तुमको दी गई है कितनी, 720, तो 9 की वैल्यू अगर 720 है तो 1 की वैल्यू 80 हो जाएगी ना डिवाइड करने पे, और पूछा हमसे किसकी वैल्यू है, 8 की वैल्यू पूछा है, तो इसी 80 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 64 240 रुपये की वो चीज़ खरीदी गई थी, मतलब CP था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, CP की वैल्यू पूछी गई है, लॉस दिया गया है, SP दिया गया, 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11, तो 11 हो गया CP, 1 रुपये का लॉस हुआ, मतलब 10 रुपये का SP, तो 10 की वैल्यू 2000, 1 की वैल्यू 200 और 11 से 11 की वैल्यू पूछी गई है, तो 200 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2200 आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन कुछ थ्योरी वाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400, एक आदमी ने एक साइकिल को इतने रुपए में ख़रीदा एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 50% और 15% के हानि पर उसे बेच दिया, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, CP दिया गया है, लॉस परसेंट दिया गया है, SP पूछा है, बस यहाँ कहाँ से उठाएंगे, लॉस परसेंट से उठाएंगे, 15% का मतलब क्या होता है, 5 × 15 × 5 × 20 3/20, 3/20 का मतलब क्या हुआ, 20 मेरा CP है और 3 का लॉस हुआ, तो SP मेरा 17 है। CP की वैल्यू, 20 की वैल्यू दी गई है 1400, 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 70 और 17 की वैल्यू पूछी है, तो 17 का 70 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1190 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज, तो यहाँ पे क्या है, लॉस कितना है 7%, 7% का मतलब क्या हुआ, 7/100, तो ये मेरा क्या है CP, 7 रुपये का लॉस हुआ, तो 93 क्या हो गया SP। देखें अब वैल्यू किसकी दी गई है, उसने 651 रुपये सेलिंग दिया है, मतलब बेचने वाला प्राइस दिया है, मतलब 93 की वैल्यू दी गई है 651। अब 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि इकाई का अंक 1 आ जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई होता है 7 × 21, देखते हैं क्या 7 से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट आएगा, तो 7 × 21 7 × 63 = 62, बिल्कुल सही है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, पूछी कितनी की वैल्यू थी, पूछी कितनी की वैल्यू थी 7 की वैल्यू पूछी थी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700, ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर, ही सोल्ड इट फॉर ₹1680, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज,
देखिए एक टाइपराइटर ने 1400-1200 रुपये का एक चीज़ खरीदा, उस पर 200 रुपये उसकी मरम्मत पे लगाए, तो मतलब 1400 रुपये उसका कितना हो गया, सीपी हो गया। 1680 रुपये में उसे बेच दिया तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, 1680 से 1400 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 280 रुपये उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब इस पे परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है, तो नीचे हमेशा होता है सीपी, 1400 रुपये था, ये एक जीरो कटा, ठीक है, और ये 100 था, यहाँ पे परसेंट निकाले तो 2 जीरो कट दिए, 14 दूनी 28, तो 20% डायरेक्ट आ गया इसका प्रॉफिट परसेंट, हो गया ना सिंपल सा। तो एक देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अ रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर ₹225, हिज ओवर हेड एक्सपेंसेज आर ₹15, ही सेल्स द रेडियो फॉर 300, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द रिटेलर इज। 225 रुपये की रेडियो खरीदा, उस पर 15 रुपये और उसने लगाए उसकी मरम्मत कराने में, तो 215 और 240 रुपये का उसको पड़ गया वो रेडियो, 300 का उसने उसे बेच दिया, तो 60 रुपये का उससे प्रॉफिट हो गया। इस 60 रुपये को 240 के ऊपर हम निकाल लेंगे क्योंकि सीपी नीचे रहता है, तो 1/4 आएगा, 1/4 को जब 100 से डिवाइड करते हैं सीधे सीधे 25% आंसर इसका आ जाता है। तो इस तरीके से रहा आपका पहला टाइप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप समझ गए होंगे कैसे हम फ्रैक्शन से निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। तो आगे के टाइप मैं अपने चैनल पे जल्दी से जल्दी अपलोड करता रहूँगा, तो सारे वीडियोस आप देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम आपको हो जिस क्वेश्चन में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मैथ्स के जो भी वीडियोज़ होंगे वो स्पेशली उनके लिए हैं जिनको मैथ्स में अभी स्टार्टिंग से प्रॉब्लम है, तो आप आराम से पूरी मैथ्स को देखते रहिए और इसी तरीके से क्वेश्चन क्या करते रहिए, करते रहिए। जैसे ही आपका पूरा एक टॉपिक ख़त्म होगा तो मैं उससे पीडीएफ रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को लगाइएगा, जो भी क्वेश्चन में ना आए आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा स्पेशल मैथ्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।